एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारा हैप्पी दिवाली। आज ये जो लुक आप मुझे देख रही है, मैंने कैरी किया है मेरे मेन दिवाली दिन, तो ये जो लुक है आप लोगों को इसी वक्त देखने के लिए मिलेगा। सो बताइएगा ज़रूर मेरा ये मेकअप लुक आप लोगों को कैसा लगा। बहुत से प्रोडक्ट्स है जो अफोर्डेबल में मैंने यूज़ किया। ऑलवेज मैं बोलती हूँ कि मैं अफोर्डेबल में यूज़ करती हूँ, तो मैं अफोर्डेबल में ही यूज़ करती हूँ ताकि आप भी उसे परचेज कर सके। सो अगर आप लोगों को मेरा ये लुक ज़रा भी पसंद आता जो मैंने दिवाली के दिन क्रिएट किया है, तो आप लोग इसे भी कैरी कर सकते हैं। सो अगर मेरी वीडियो आप लोगों के लिए ज़रा भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करिएगा, शेयर भी करिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा। और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने मेहंदी लगाई है। स्टार्ट करेंगे स्किन केयर से। सबसे पहले टोनर ले लेंगे। यहाँ पर मैंने अप्सरा हलर का टोनर लिया है, अमेजिंग टोनर है। एज ऑलवेज प्रेप कर लेंगे अपनी स्किन को टोनर से, सेट होने देंगे टोनर को अच्छी तरीके से। उसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ लैक्मी का सॉफ्ट क्रीम मॉइस्चराइज़र। बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है, ट्रस्ट मी, इतना अमेजिंग मॉइस्चराइज़र है ये लैक्मी का। मैं इसका पूरा एक रिव्यू भी लेकर आने वाली हूँ अपने चैनल पर। बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है, पता ही नहीं चलता है, बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। उसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ बायोटिक का फ्रूट लिप बाम, अपने लिप को मॉइस्चराइज़ करने के लिए। आफ्टर डेट हम अपना स्टार्ट करेंगे प्राइमर लगाना। अगेन मेरा स्विस ब्यूटी का हाइलाइटिंग प्राइमर है, जो कि हाईलाइट के साथ साथ आपके प्राइम भी करेगा आपके फेस को, जो भी आपके पोर्स है उसको क्लोज करेगा। तो आप देख सकते हैं मैं इसे अपने पूरे फेस पर लगा रही हूँ। बहुत ही अमेजिंग प्राइमर है स्विस ब्यूटी का। स्विस ब्यूटी पर आप आँख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। उसके बाद अगेन स्विस ब्यूटी का कंसीलर ले रही हूँ मैं यहाँ पर। सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स गाइस आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सो नो इशू। यहाँ पर कंसीलर अप्लाई कर लेंगे जहाँ जहाँ आपको लगता है। मैं अपने अंडर आई के नीचे और आईलेट पर अप्लाई कर रही हूँ, और ब्यूटी ब्लेंड के हेल्प से हम अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। उसके बाद हम इसे सेट करेंगे पाउडर के साथ। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ फेसेस कैनेडा का कॉम्पैक्ट पाउडर। ये मेरा फर्स्ट टाइम मैं ऐसे यूज़ कर रही हूँ और काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये। मीडियम आप कह सकते हैं, मीडियम कॉम्पैक्ट है ये, मेरी स्किन से लगभग मैच ही हो गया था। उसके बाद मैं मार्स का यहाँ पर आई शेडो ले रही हूँ। इसमें से मैं दो शेड पिक करूँगी, एक जो मेरे ड्रेस के साथ जाता हूँ और एक थोड़ा सा हाईलाइट के लिए। वो शेड मैं अपने आईलिड पर अप्लाई करूँगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अच्छी तरीके से अपने आईलिड पर उसे अप्लाई कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पर एक शिमरी शेड ले रही हूँ, जो कि थोड़ा सा डार्कर शेड है मेरे इस वाले आई शेडो से। सो इसे मैं अपने आईज़ पर टॉप पर मैं इसे अप्लाई करूँगी। उसके बाद यहाँ पर मैं ले रही हूँ इनसाइड का आईलाइनर। ये एक जेल आईलाइनर है, वाटरप्रूफ। उसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ अगेन इनसाइड का मस्करा। ये मस्करा इतना कुछ मुझे खास नहीं लगा, इतना वॉल्यूम नहीं देता है ये। उसके बाद फेस पर आ जाएंगे हम। फेस पर हम अप्लाई करेंगे, आप कोई भी फाउंडेशन ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने मेबलिन फिटमी का फाउंडेशन लिया है। फाउंडेशन मुझे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, जिसे मैंने बाद में कवर कर लिया। मैंने कुछ ज़्यादा ही फाउंडेशन अप्लाई कर दिया था क्योंकि मुझे बहुत घाई हो रही थी, बिकॉज़ पूजा का वक्त हो रहा था इसलिए। उसके बाद मैंने यहाँ फेसेस कैनेडा का कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है अपने सेट करने के लिए। उसके बाद फेसेस कैनेडा का अगेन काजल लिया। बहुत अमेजिंग काजल है गाइस, एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत अमेजिंग काजल है। उसके बाद मैं यहाँ पे ब्लू हेवन का आईब्रो पेंसिल ले रही हूँ। ये भी काफ़ी अच्छा अफोर्डेबल में आईब्रो पेंसिल है। पहले उसके स्पूली से मैं अपने हेयर को सेट कर रही हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा आईब्रो सेट हो चुका है। बहुत ही लाइट ग्रे है। उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ पर्पल का, ये फर्स्ट टाइम मैं यूज़ कर रही हूँ। मैंने न्यू परचेज़ किया था रेड लिपस्टिक, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट किया है मेरी ये ड्रेस के साथ। आप देख सकते हैं मरूनिश टाइप में आप बोल सकते हैं, बहुत अमेजिंग था। उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ मार्स का हाईलाइटर। जहाँ जहाँ आपके हाईलाइटिंग पॉइंट है आप वहाँ पर हाईलाइट कर लीजिए।
उसके बाद मैंने यहाँ पे पूरा मेकअप सेट करने के लिए मेरा फेवरेट स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर लिया है मैंने स्प्रे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं एक परफ्यूम यूज़ कर रही हूँ जो कि है राम एंड सन्स का, अमेजिंग परफ्यूम है, मैं इसका लिंक भी दे दी हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे बैंगल्स एंड ये ईयरिंग जो झुमके आप जो देख रहे हैं वो मैंने जावेरी पर्ल से लिए हैं, बहुत ही अमेजिंग झुमके थे। सो ये मेरा है फाइनल फिनिश लुक गाइज। सो गाइज आप लोगों को होप सो मेरा ये मेकअप लुक दिवाली का पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और भी मेरे अदर्स चैनल हैं उन्हें भी सब्सक्राइब करिए, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ देखने के लिए मेरे नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।